हाय एवरीवन दोस्तों, आज सोचा कि कुछ नया करते हैं, इसलिए आज मैंने जो है अपने सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट थे मेरी क्लास के, उनसे प्रैंक करने का सोचा। और उस प्रैंक में यह था कि मुझे उन्हें न्यूज़ देनी थी कि आप जो है क्लास के टॉपर हो, तो मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता था, क्या क्या रिएक्शन है। तो देखते हैं, आप मैं दिखाता हूँ आपको उनकी मज़े की चैट्स। सबसे पहले जो मैंने जो है SMS किया था, वो किया था उत्कर्ष, जो है एक मेरा क्लासमेट है, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स है, टॉपर आने के चांसेस 90% इसी के हैं, यही टॉपर रहेगा क्लास का। अब देखो मैंने इसे SMS किया यहाँ से, यहाँ से टॉपर साहब बता दो कुछ क्या पढ़े हैं। ओ भाई, ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मियाँ। अरे सही में यार, फिर मैंने जो है सर का एग्जाम से कह दिया था कि सर से मेरी बात हुई है और जो है आप क्लास के टॉपर हो। फिर इसका रिएक्शन देखो कैसा है, बेचैन हुआ। सर से बात हुई थी, वो बता रहे थे उत्कर्ष टॉपर रहेगा इस सेमेस्टर का। अब यहाँ से इसकी बेचैनी की जो है, इसकी दिल की धड़कन जो है तेज़ होने लगी। कौन से सर भाई, बोले पागल बना रहे हैं मुझे। बंदा तेज़ है समझ तो रहा था, लेकिन जो है अब हम तुम भी होशियार बैठे इस फील्ड के। अब देखो इसके SMS देखो, उसके बाद इसकी बॉयज कॉल्स देखो, 3 बॉयज कॉल्स, इसके बाद फिर SMS आता है इसका, अभी सही किस सर ने बता दिया है तुझे। उसके बाद फिर इसकी कॉल ये, फिर मैंने SMS करता, भाई तुम्हारे सब सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो जाहिर है तुम तो टॉपर कौन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इसके SMS देखो, दिल की धड़कन देखो कितनी तेज आती है एक टॉपर बच्चे की, ये देखो ये। अब ये जो है वो होशियार था बंदा, तो कुछ समझने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखो, अब ये कौन से सर ने ये बताया कि कौन सी रैंक है मेरी, चलो इतना तो बता दो। अच्छा चल कुछ मत बता, बस इतना बता कि कौन से सब्जेक्ट वाले सर से पूछा, और असली में क्या तुझे बताया उसने कि उत्कर्ष टॉपर रहेगा। इतना बहरहाल ये जो है बहुत सारी मेहनत करने लगा मुझसे कि बता दे भाई बता दे। इसे कहते हैं एक कुड़न जिसके दिल में होती है टॉपर, ये क्योंकि टॉपर का तो अलग ही रहता ना मामला, टॉपर टॉपर होता तो परेशान हो गया बंदा। भाई यार ऐसे ही नहीं बताया, मार्क्स देखकर लगा कि उत्कर्ष टॉपर रहेगा। अब यहाँ से मैं जो है इससे मैंने बता दिया कि मैंने जो है प्रैंक किया था। उसके बाद फिर इसने कहा कि भाई ये है वो है ऐसे, तो उन्हें जो है दिल की धड़कन मेरी तेज कर दी और ये कर दिया वो कर दिया, फिर इसकी बातें अलग रख रही। अब देखो मैं दूसरे स्टूडेंट्स का दिखाता हूँ। अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो मेरा क्लासमेट है, इसका नाम है भाई का फैयाज अहमद साहब है ये। अब मैं इन्हें खुशखबरी देता हूँ, मैंने कहा फैयाज भाई आप टॉपर हो फर्स्ट सेमेस्टर के, सूत्रों से पता चला है, पार्टी चाहिए। कैसे भाई? जी भाई उत्कर्ष भाई है, देखो उत्कर्ष जो मैंने जिसका पहले प्रैंक किया था, जिससे पहले मैंने उसके साथ प्रैंक किया था, इसने भी कहा था क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जो है 90% उसी के हैं टॉपर आने के। इसने कह दिया कि उत्कर्ष भाई है, नहीं भाई आप हो, मिल जाएगी बट मैं टॉप, तो इसने कह दिया मतलब बंदा जो है मानने को तैयार है कि मैं जो हूँ टॉपर आ सकता हूँ। मतलब इसे कहते हैं जज्बा, के बंदे के अंदर जज्बा है कि हाँ भाई हो सकता है आ जाऊँ टॉपर का। ठीक, असाइनमेंट में इतने कम मार्क्स मिले हैं तो कैसे ये बताओ लाइव में। अब इसने कहा कि मेरे मार्क्स असाइनमेंट में तो इतने कम है, तो मैं टॉपर कैसे हो सकता हूँ। फिर मैंने जो है बात मार दी वही अपनी वाली, सुपर नेचुरल पावर। तो बंदा जो है राजी हो गया कि हाँ भी हो सकता है मैं कोई सुपर नेचुरल पावर मेरे साथ हो और जो है मुझे जो है मैं टॉपर बन जाऊँ क्लास का। वो तो है का मतलब यह है कि बंदा जो है तैयार हो गया कि हाँ भाई मैं जो हूँ टॉपर हो सकता हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो है बात ख़त्म हो जाती है। अब जब हम चलते हैं तीसरे बंदे के पास, अब जो तीसरा बंदा है ये साहब, इस साहब का नाम है परवीन कुमार। ये हमारे परवीन कुमार, ये भी बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट बंदे हैं हमारे, रेस्पॉन्स सर को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं ये। अब मैंने इनसे कहा था कि भाई आप टॉपर हो फर्स्ट सेमेस्टर के, सूत्रों से पता चला है, भाई होशियार हैं समझ गए पहले से कि हम टॉपर तो नहीं हो सकते, तो इसलिए इमोजी सेंड किया इन्होंने हंसने का और सूत्रों को। अब इसे कहते हैं होशियारी का लेवल ऑफ प्रो, सूत्रों को कम पैसे देते हो क्या, डिटेल्स गलत क्यों दे रहे हो। मतलब इन्हें पक्का भरोसा है कि हम जो है किसी भी कीमत जो है टॉपर नहीं आ सकते, टॉपर जो है हम नहीं बन सकते किसी कीमत। अब हमने जो है अपनी चिपकाई हुई वाली बात, भाई अगर सुपर पावर तुम्हारे साथ हो तो क्या ये पॉसिबल नहीं। तो बताओ पर नहीं रही भाई, रिजल्ट पर यकीन करो, मेरे पास प्रूफ कहाँ है।
अब फिर हमने जो है बाजी मार दी, प्रूफ दो तो क्या करो कर लोगे। हमने कहा कि अगर मैं प्रूफ दूँ तो बताओ, एक शर्त माननी पड़ेगी आपको मेरी। तो फिर ये कहते हैं अरे भाई तुम डायरेक्ट बता दो क्या काम है। इसे कहते हैं बंदे को होशियार, क्योंकि पक्का यकीन था बंदे को कि मैं टॉपर तो नहीं आने वाला। अब ये समझ वाला कि भाई ये जो है होशियारी दिखा रहा, मतलब मुझे सोच रहा था कि कुछ ना कुछ जो है काम है। इसने डायरेक्ट मुझसे बोल दिया कि भाई ये बता तू जो है अपने काम की बात पे आ, क्या है तेरा काम डायरेक्ट। अब फिर जो यहाँ आकर मैंने जो है बात ख़त्म कर दी। अब हम चलते हैं चौथे बंदे के पास। अब ये हमारा चौथा बंदा है। अब ये चौथा बंदा जो है इसका नाम आदित्य अग्रवाल। ये भी बहुत अच्छा बंदा, बहुत बढ़िया पढ़ने में, सेकंड टॉपर जो मतलब चांसेस आने के वो इसी के हैं या फिर ये फर्स्ट टॉपर रहेगा जो। अब मैंने इसका आदित्य साहब आप टॉपर हो फर्स्ट सेमेस्टर के, ये बात सूत्र से पता लगी है, पार्टी होनी चाहिए तगड़ी वाली। तो भाई बंदा बोला ये भाई ये गलत खबर है। हंसने लगा, मैं टॉपर मैं विश्वास नहीं करता रैयान भाई। तो भाई सर ने कह देना सर से, अगर फिर मैंने इससे कहा अगर आप जो है टॉपर आ जाओ सर से मना कर देना कि सर जो है मैं टॉपर बनना नहीं चाहता, आप किसी और बंदे को टॉपर बना दो। तो इसे मतलब अब ये था, इसे मार्क्स इसके असाइनमेंट में अच्छे हैं तो इसे थोड़े बहुत चांसेस तो हैं कि हाँ मैं टॉपर आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये समझ रहा था कि रैयान जो है प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। अब इसने कह दिया आपके सूत्र को गलत खबर मिली है, देखो अब वो दे रहे हैं तो देने दो। उनसे कह रहा मैंने सूत्र जी से कहा था, मैंने मना नहीं करा पर भाई भाई इंसाफ से कुछ नहीं, मुझे बस आगे सोचना है। इसमें तो सबको एक जैसे नंबर दे रहे हैं बिना कॉपी चेक किए, सब सर कभी गलत नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा सर जो है कभी गलत नहीं हो सकते, उन्होंने जब कह दिया टॉपर तो तुम टॉपर हो। अब यहाँ से जो है बंदे को जो है दिल की धड़कन इसकी भी तेज़ हो जानी स्टार्ट हो जाती। जब मैंने बात किसकी कही, जब बात कही सर की कि मुझसे सर ने कहा है, तब ये जो बंदे की जो है परेशान हो गया। अब यह बंदा जो है परेशान हो, कौन से सर, हाँ सर कौन से सर, इसने फिर दोबारा से कौन से सर। मैंने कहा ये मत पूछो यार, अब भाई बता दो प्लीज़ ये भी किस सर ने बताया। ये देखो इसे कहते हैं दिल की कुड़न, धड़कन तेज़ हो गई बंदे की। अब मैंने से कहा भाई ये सीक्रेट है, अब बता भी दो रैयान भाई, अब ऐसा मत करो, अब इतना बताया तो पूरा बता दो, अरे मैं कुछ कहूँगा नहीं किसी से। देखो इसे कहते हैं एक जो नॉर्मली बंदा जिसे पूरा विश्वास नहीं था कि मैं किसी की मत टॉपर नहीं आता, वो तो यह बात ख़त्म करने की सोच रहा। अब इससे जो है इसके चांसेस है टॉपर आने के, इसे भी लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है मैं टॉपर आ सकता हूँ। सो अब जो है बंदा जो है इसे देखो दिल की धड़कन कैसे तेज होती है। जब मैंने इसे सर से कहा कि भाई सर ने जो है मुझसे कहा है कि आप टॉपर हो, अब देखो यहाँ मिस कॉल देखो इसकी बॉयज कॉल, जैसे उत्कर्ष की आई थी ना वो भी टॉपर था, अब ऐसे ये टॉपर था, इसकी बॉयज कॉल देखो दो बॉयज कॉल। यार ठीक नहीं रहेगा अगर बात लीक हो जाए तो। अब देखो SMS देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 SMS कंटिन्यू आए बंदे के, भाई पक्का मैं किसी को नहीं कहूँगा, ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी। ये देखो डील कर रहा बंदा मुझसे। यार देखो अब यार जाने की उत्साह हो रही है कि ये बात सच में है या इसलिए। वैसे अभी वाइवा तो हुए नहीं सारे, तो कैसे टॉपर हो गया मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बता दो भाई। अब देखो बंदा परेशान है क्योंकि एक वाइवा भी हमारा बचा हुआ, तो इसलिए कह रहा कि हो सकता है मैं लास्ट वाले सेमेस्टर में मेरे मार्क्स कम हो। तो अब देखो फाइनली है, अब जो है मैं 7th बंदे के पास चलता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या रहता है। अब दोस्तों जो है जैसा भी था मैं सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ इस मामले में कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन ये एक प्रैंक था सिर्फ ये रिएक्शन देखने का कि एक टॉपर कैसा सोचता है अपनी टॉपर आने की खुशी में, और एक जो नॉर्मल बंदा है वो कैसा सोचता है अगर उसे कोई सपने में आकर ये कहे कि तुम टॉपर हो तो उसका रिएक्शन कैसा रहता। सिर्फ ये एक रिएक्शन की वीडियो थी, ये एक प्रैंक था। थैंक यू।